हेलो दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। इसका नाम है प्रो प्रोग्रामिंग। और सॉरी दोस्तों कि मुझे अपनी ये नेक्स्ट वीडियो अपलोड करने में थोड़ा टाइम लग गया, इसलिए मैं सॉरी कहता हूँ। और दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे, हमने जो अपने प्रीवियस वीडियोस में टेक्स्ट बॉक्स और बटन का यूज़ किया था, हम उसको किस तरह से इम्प्लीमेंट करके एक छोटा सा कैलकुलेटर या कहूँ लव कैलकुलेटर बना सकते हैं उसी टेक्स्ट बॉक्स और बटन का यूज़ करके। चलिए देखते हैं हम किस तरह से एक लव कैलकुलेटर बना सकते हैं। तो सबसे पहले उसके लिए मुझे एक बटन चाहिए होगा। चलिए मैं इस बटन का साइज इंक्रीज कर लेता हूँ। और चलिए इसका नाम हम जरा देते हैं लव। देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ पर इसका नाम दिया है। अब मैं इसके टेक्स्ट को थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ। इसके बाद हम यहाँ पर दो टेक्स्ट बॉक्स लेंगे। चलिए इसका कलर भी चेंज कर लेते हैं हम। उसका बैकग्राउंड कलर मैं देता हूँ चलिए इसको ट्रांसपेरेंट रखते हैं, या फिर इसको हम देते हैं पिंक कलर। चलिए हम यहाँ पर दो टेक्स्ट बॉक्स लेते हैं। जिसमें एक में हम एक मेल का नेम लेंगे और दूसरे में फीमेल का नाम। यहाँ पर मैं बाय डिफ़ॉल्ट इसमें मेल लिखता हूँ, ताकि जैसे ही हम इसको एग्जीक्यूट करें इसके अंदर ऑलरेडी मेल लिखा हुआ आए। अब क्योंकि मैंने यहाँ पर टेक्स्ट में मेल लिखा है, तो एग्जीक्यूशन के टाइम पर इसमें इस टेक्स्ट बॉक्स में ऑलरेडी मेल लिखा हुआ आएगा। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर मेल लिखा हुआ है। अब चलिए दोस्तों दूसरे टेक्स्ट बॉक्स में हम ईमेल लिखते हैं। इस फॉर्म का कलर भी हम चेंज करते हैं। दोस्तों भले ही ये बहुत छोटा सा प्रोग्राम है, लेकिन ये केवल समझने के लिए है कि हम टेक्स्ट बॉक्स और बटन का किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। इसमें कोई ख़ास लॉजिक नहीं है, लेकिन ये बड़ा ही मज़ेदार प्रोग्राम है। चलिए मैं यहाँ पर एक लेबल भी लेता हूँ। इसका साइज में इंक्रीज कर लेता हूँ। यहाँ पर इसका साइज हम 16 लेते हैं, जो कि हमें बताएगा कि दोनों के बीच की जो परसेंटेज है वो क्या है। वो भी आपको समझ में आ जाएगा मेरा कहने का मतलब। चलिए इसका नेम चेंज कर दें। इसको जरा मैं सही करता हूँ। चलिए मैं बटन पर डबल क्लिक करता हूँ ताकि हम कोडिंग के सेक्शन में चले जाएं। अब कोडिंग के सेक्शन में मुझे बस दोनों बटन के टेक्स्ट की ज़रूरत पड़ेगी। उन दोनों टेक्स्ट में जो वैल्यूज़ होंगी, जो दो नेम होंगे, हमें उन दोनों के नेम की केवल लेंथ की ज़रूरत है।
तो इसीलिए मैं यहाँ पर लेता हूँ लैंप ऑफ एक्सबॉक्स 1.txt और प्लस लेंथ ऑफ एक्स बॉक्स 2.txt और इसको हम असाइन करा लेते हैं एक ए नाम के वेरिएबल में जो कि मैं अब बनाने वाला हूँ। हम इसको इंटीजर टाइप लेते हैं अब क्योंकि दोनों की लेंथ को हम कैलकुलेट कर चुके हैं। अब हमें बस इसकी मल्टीप्लिकेशन करनी है ताकि परसेंटेज की वैल्यू थोड़ी सी ज़्यादा हो। जैसे कि देखिए मैं यहाँ पर ए में असाइन कराता हूँ मल्टीप्लाई करके 7 से। आई होप आप इस स्टेटमेंट को समझ पा रहे होंगे। इस स्टेटमेंट का मतलब है ए के अंदर असाइन कराओ मल्टीप्लाई करके ए मल्टीप्लाई 7। तो चलिए अब हम इसको लेवल 1 में असाइन करा देते हैं। तो लेवल 1.txt में असाइन करा दो ए की वैल्यू। और एंड हमें यहाँ पे एक स्ट्रिंग के रूप में परसेंटेज देना पड़ेगा। चलिए इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। चलिए मैं यहाँ पर कोई नाम देता हूँ और यहाँ पर कुछ लिखते हैं तो देखते हैं। चलिए कुछ सिंपल से लिखते हैं जैसे कि आई के और इधर मैंने लिखा है के यू वाई। चलिए कैलकुलेट करते हैं। देखिए 35% यानी कि के आई और प्लस के यू वाई यानी कि 5 और 5 की मल्टीप्लाई 7 से तो 35। उसी तरह से आप किसी का नाम भी यहाँ पर एंटर कर सकते हो और लोगों की परसेंटेज यहाँ पर ये बताएगा। वह दोस्तों आई होप आपको मज़ा आएगा इस प्रोग्राम में। आप इसी तरह से डिफरेंट प्रोग्राम्स बनाने का ट्राई कर सकते हो और आपको कुछ हेल्प की जरूरत हो तो मैं आपकी हेल्प के लिए तैयार हूँ। आप कमेंट कर सकते हो, कमेंट के ज़रिए मुझे आप बता सकते हो कि आपको किस तरह की हेल्प चाहिए मुझसे और मैं आगे इसी तरह के कुछ मज़ेदार प्रोजेक्ट्स लेकर आने वाला हूँ। और हम कुछ बड़े प्रोजेक्ट्स भी आगे चलकर बनाने वाले हैं जैसे कि नोटपैड कैलकुलेटर साइंटिफिक कैलकुलेटर और कुछ और प्रोग्राम्स। और मैं एक टिक टैक टू का गेम भी आपको बनाकर दिखाऊंगा इसके अंदर जो कि बहुत ही सिंपल है लॉजिक अगर आपको समझ में आ जाता है। चलिए हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। बाय बाय, सी यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब माई चैनल प्लीज़।